ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टूंगर टूंगर पर रोता फिरा, किसके लिए गया था? मैं से कई लोगों ने मेरे को जो सुझाव दिए या मेरे बारे में जो भी कहा, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के प्रति जो अपने मन में भाव रखता हूँ और मैंने जिस घटनाक्रम के साथ जिस दुख के साथ उस आम सभा में भी मेरी आप पूरी क्लिक सुनोगे तो मैंने क्षमा मांगते हुए मैंने कहा, मैंने आवेश में कुछ बातें कह दी जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं और आपने मुझे जो अच्छे सुझाव दिए उनको मैं पालन करने का पूरा पूरा भरोसा दिलाता हूं। वीर महाराणा प्रताप को पागल कुत्ते के काटने के बयान पर उपचुनाव में नुकसान को देखते हुए भाजपा बैकफुट पर आ गई है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस मामले पर भाजपा आलाकमान ने गुलाब चंद कटारिया को लताड़ लगाई थी, उसके बाद कटारिया ने इस बयान के लिए माफी मांगी और महाराणा प्रताप को अपना आदर्श बताया। आइए आपको सबसे पहले महाराणा प्रताप के ऊपर गुलाबचंद कटारिया का दिया बयान सुना देते हैं, फिर आपको वो बयान सुनाएंगे जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगी है। आपों ने, हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टूंगर टूंगर पर रोता फिरा, किसके लिए गया था? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है कि नहीं? उस पार्टी के साथ स्मरणीय महाराणा प्रताप के संघर्ष को मैंने जिन घटनाओं से जोड़ा वो चयन मेरा ठीक नहीं था और उसके कारण से आप में से कई लोगों को मन को ठेस लगी है और आप में से कई लोगों ने मेरे को जो सुझाव दिए या मेरे बारे में जो भी कहा, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उस अच्छाई की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास जताता हूं कि मैं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के प्रति जो अपने मन में भाव रखता हूं और मैंने जिस घटनाक्रम के साथ जिस दुख के साथ उस आम सभा में भी मेरी आप पूरी क्लिक सुनोगे तो मैंने क्षमा मांगते हुए मैंने कहा, मैंने आवेश में कुछ बातें कह दी। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मेरी जो तुलना करने का जो शब्द थे वो उचित नहीं थे, मैं उसके लिए क्षमा भी मांग ली और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबको जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं और आपने मुझे जो अच्छे सुझाव दिए उनको मैं पालन करने का पूरा पूरा भरोसा दिलाता हूं। मैं आप सबका आभारी हूं।